सो टुडे 17th जुलाई 2019, आज का दिन प्लेन एंड सिंपल अब बैक टू बैक चार दिन से लाइक वन ऑन वन सेशन में था और आपके साथ ये लाइक वीडियो के एंड में उनका वीडियो भी हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आप काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं उससे। देखिए ये कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है, ये वीडियो के एंड में सबने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, एजुकेशन को हमको बढ़ावा देना है। तो आप वो पर्सन मेंबर का बात ज़रूर सुनना और सबसे लाइक सबसे आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंग चीज़ वो है कि उनकी एज जस्ट 17 ईयर्स है। आज मैं 28 इयर्स का हूँ, मुझसे वो 11 साल छोटे हैं। आप समझ सकते हो कि 17 इयर्स का उसको आप बच्चा भी बोल सकते हो कि वो मार्केट में इंटर कर रहा है, एजुकेशन के साथ काम कर रहा है, तो उसके पास पूरी लाइफ बाकी है अच्छे से वर्कआउट बनने के लिए। और हो सकता है ये प्रोफेशनल वे में अगर मेहनत करता है तो प्रोफेशनल वे में कहाँ पहुँच सकता है अपने पेरेंट्स को वगैरह जल्दी रिटायर वगैरह करके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइक इसके लिए, जब एज इतनी छोटी है तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी और बहुत टाइम है इसके पास लाइक मार्क लाइक लाइफ में अचीव करने के लिए। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा उनका, हमने एंड में जस्ट इसको अटैच कर देंगे हम। सो बात करते हैं आज का दिन। आज का दिन रिलायंस में मैंने एक ट्रेड ली, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो चुका था क्योंकि बैक टू बैक काम के चक्कर में लाइक आज इतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म बोल सकते हो कि आप पावर कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ट्रेड, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं आज ट्रेड करूं मैं, बट जैसे कि मेरा कमिटमेंट था, अब जैसे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जो आपने कमिटमेंट किया उस पर फुलफिल करना ही है। सो डेट्स वाई रिलायंस की एक सिंपल सी ट्रेड सेटअप आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने देख के यहाँ पर ट्रेड किया। देखिए ट्रेडर्स, ये सिंपल सा ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन मैंने सामने देखा, ब्रेकडाउन लाइक हो गया था, उसके बाद मैंने देखा कि ये लास्ट किसकी तरह एक्ट कर रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो एक्टेड हैज, ये इट एक्टेड हैज एज अ लाइक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा था और लास्ट किसकी तरह एक्ट हो रहा था। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने 920 लाइक 12 1290.6065 का मैंने ऑर्डर लगाया तो वो ट्रिगर नहीं हो रहा था, वहाँ पर आया भी एक दो बार रिलायंस बट वहाँ पर ट्रिगर नहीं हो रहा था मेरा फ्यूचर का लेवल। फाइनली मैंने इसको ये लेवल, ये रेड कैंडल देखने के बाद मेरे बॉस रिजेक्शन आ चुका है अच्छे से, इसको मॉडिफाई करके ये कैंडल जैसे शुरुआत हुई उसको मैंने शॉर्ट कर दिया 1290.20 पे। उसके बाद स्मूथली नीचे की साइड जाने लगा। एंड अगर हम लोग देखते हैं इनिशियली टारगेट अपना ये होता है, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये 91 का लेवल और ये समझ लो 89 का लेवल, तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का टारगेट हुआ ये, और हम लोगों का स्टॉप लॉस तो ये था मेजर रेजिस्टेंस, तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉ अराउंड 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉ, 2 पॉइंट का टारगेट, तो ये फेयर एंड ऑफ डील नहीं है। एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट हमको एक्यूमुलेट करना तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अच्छा ट्रेड सेटअप था। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये लेवल के बाद हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट दिख रहा है विच इज दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और देखिए हुआ भी ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर करके आखिर ये लेवल पे जो मैंने अपना टारगेट लगाया था 1285 का, यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ लाइक रिजेक्ट हो गया, ऊपर की तरफ फिर चला गया थोड़ा सा और लाइक रिट्रेस कर करके थोड़ा साइडवेज हो के फाइनली ये कैंडल पे देखिए एकदम प्रॉपरली टच हुआ है 1159.43 में मेरा एग्जिट हो गया एंड ट्रेड मेरा क्लोज हो गया। अगर आज एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता तो मैं शायद अपना रिट्रेस करके लाइक यहाँ पर स्टॉप लॉस लाइक मॉडिफाई करके यहाँ पर ट्रेल कर लेता और थोड़ा मैं और वेट करता, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रांग है इतना रिलायंस स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। सो और उस हिसाब से अगर हम डेली चार्ट भी देखते हैं तो देखिए ट्रेडर्स, ये रिलायंस का डेली चार्ट है तो यहाँ पर देखिए क्लियर हमको ये दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर रिजेक्शन आ रहा था, तो इट वॉज क्लियर कि वो डाउन साइड फॉल दिखा सकता है। तो इसलिए मैंने जस्ट ये लेवल पे आया, मैंने चलो ठीक है अगर 1200 के रिस्क के अगेंस्ट में अगर आपका 2600 प्रॉफिट हो रहा है और एकदम लेवल अप रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है और आपके लगभग नियर बाय डेली रेंज के हिसाब से है तो उसको मैंने एग्जिट कर लिया ये लेवल पे। लाइक मेरा ट्रिगर 1285 का जो टारगेट लगाया था वो मेरा एग्जिट हो गया। थोड़ा एनर्जी हाई होता तो मैं मे बी ऑब्वियसली थोड़ा नीचे तक और वेट करता, इतना छोटा टारगेट नहीं लगाता। लाइक वैसे आप देखते हो जनरली 7-8 पॉइंट्स का मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हो जाता है, रिलायंस में भी काफ़ी बार ट्रेड हुआ है अराउंड 6-9 पॉइंट्स था ऑलमोस्ट, मैं उसको नीचे की तरफ
ट्राई करता हूँ और खींचने की, बट आज एनर्जी लेवल थोड़ा लो था और सब कुछ फेवरेबल गया मेरा, तो उसको मैंने 12.85 का टारगेट लगाया और वो मेरा अचीव हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये मेरा ट्रेड सेटअप था। तो ट्रेडर्स, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड में जैसे आपको मैंने कहा था कि आपको वीडियो दिखेगा वो फीडबैक का, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय विच इज़ ट्राइंग टू एस्पायरिंग एज एन ट्रेडर, उसका आप बात सुन लीजिए, देखिए आप क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं वो। सो थैंक फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर, आप मुझे सबसे पहले चीज़, ये फीडबैक के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो आपका पहले नाम, एज, स्पेशली एज बताना और आप कहाँ से आए हो मुझे वो बताइए। मेरा नाम यश जंगम है, मैं अहमदनगर से आया हूँ और मेरी एज 16 कम्प्लीट है। अच्छा, 16 ईयर्स कम्प्लीट। अच्छा, 16 इयर्स के हो आप, मार्केट में कैसे अट्रैक्ट हो गए आप स्टॉक मार्केट में, और आपको सीखने की इतनी चाहत क्या, स्पेशली क्या था ऐसा जो आपको इतनी नीड लगी कि मार्केट में ये एज में आना चाहिए आपको? सर, मेरे मॉम मेरे डैड न्यूज़ देखते थे, फिर न्यूज़ में स्टॉक मार्केट की चीजें वगैरह बताते थे, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन आपके वीडियो मुझे पसंद आए, मुझे प्राइस एक्शन सीखने का था और आप जो YouTube पे जो नॉलेज देते हो वो मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे और ज्यादा सीखने का था कि YouTube पे नॉलेज लिमिटेड रहता है, मुझे ज्यादा सीखने का था और आपसे सीखने का था, आप रीजन अच्छा बताते हो क्यों बाय किया क्यों नहीं और प्राइस एक्शन पे आप सब वर्क करते हो, इसलिए मुझे YouTube पे आपके वीडियो देख के मैं यहाँ पे आया। okay. और टेलीग्राम पे जब आपने भेजा था सेशन का, इसलिए यहाँ पे आया। ओके, तो कैसा रहा आपका ओवरऑल, जो आपने यहाँ पर 4 सेशन अटेंड किए आपने ज्वाइन करने के बाद, कैसा रहा जो आप एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, आप आपका क्या फुलफिल हुआ वो? हाँ सर, ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे को ट्रेंड वगैरह सब पता करने का नहीं मालूम था, ट्रेंड कैसे पता करने का, बाय कहाँ करने का, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने का, तो आपने जो पहले दो थ्योरेटिकल सेशन जो आपने बताए उसमें तो मेरा सब क्लियर हो गया और लाइव ट्रेडिंग में आपने सब मुझे सिखाया कि क्या किधर बाय करने का किधर एग्जिट करने का, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो गया और कॉन्फिडेंस गेन होने के बाद तो ट्रेडिंग अच्छे ही करते हैं। फिर पहले मुझे पता नहीं था कहाँ पे बाय करने का, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करने की, तो सबसे मेन ट्रेंड आइडेंटिफाई तो वो आपने मुझे सिखाया, बाद में एंट्री प्राइस कब लेना कब सेल करना, इसलिए सर बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। पहले तो सब बुरा था, सब बहुत लॉसेस वगैरह सब खाए, तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लग रहा है सर। लाइक आपने एक्सट्रीम तो लॉस किया नहीं क्योंकि अभी तक आप छोटे हो, आपका इतना बड़ा कैपिटल है नहीं, आपने लाइक कॉन्फिडेंस अभी आपको गेन हुआ है, जैसे यूट्यूब पे तो चलो हम लिमिटेड शेयर करते हैं, आपका अब जो यहाँ पर आप आए हो सेशन आपने लिया कॉन्फिडेंस, आप एजुकेशन को हमारा मकसद है कि मोटिव लाइक इंक्रीज करने के हिसाब से एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके एज या आपसे बड़े एज में आज ट्रेडर्स काफी है मार्केट में, तो उनको आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे आपके हिसाब से? हाँ, ये कि YouTube पे जो वीडियो देख के आप ट्रेडिंग करते हो वैसे ट्रेडिंग मत करो, मैंने भी ऐसे YouTube पे वीडियो देख के ट्रेडिंग की है, मेरे लॉसेस भी हुए, तो ज्यादा नॉलेज YouTube से ज्यादा जिसके आप वीडियो देखते हो उस मेंटर के पास जाके आप नॉलेज ले लो, जैसे मैंने आपके वीडियो देखे, मैंने भी आपके वीडियो से थोड़ा प्रॉफिट कमाया, कभी कभी लॉस भी होगा, पूरा नॉलेज आपके पास आने से इस सेशन को अटेंड करने से मुझे मिला है, इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेडर हो सब लोग YouTube पे वीडियो देख के डायरेक्ट ट्रेडिंग मत कीजिए, आप मेंटर से आके सीखिए, यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ये मेरा मैसेज है और कॉन्फिडेंस आपके आपके वजह से मेरा बहुत गेन हुआ, तो जो भी है डायरेक्ट ट्रेडिंग में लॉस करने से अच्छा आप यहाँ आके पैसे देके इसे ज्यादा मतलब ये भी नहीं चार्जेस एकदम लिमिटेड चार्जेस देके आप सीख सकते हो, एक बार सीख ले तो आप कितने भी पैसे कमा सकते हो। नहीं, वो तो डियर है, वो कैसे हम लोग मार्केट नहीं करते हैं, सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देना हमारा वो मकसद है। चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम, दैट्स इट, थैंक यू। थैंक्स।